हेलो, दिस इज़ डॉक्टर कृष्ण। आई एम कंसल्टेंट ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड इन दिल्ली। आज हम बात करेंगे, बहुत कॉमन क्वेरी होती है मरीजों की, स्पेशली वो पेशेंट जो वर्किंग एज ग्रुप में होते हैं और फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क करते हैं वो, और काफ़ी नॉर्मल आजकल लोग हेडफोन्स ज़्यादा यूज कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हैं। ये होती है कि कौन से लेवल की साउंड कितने टाइम तक वो यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट की क्वेरी होती है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा, ये जो साउंड एक्सपोजर, जो नॉइज़ एक्सपोजर एंड साउंड का लॉन्ग टर्म क्रोनिक एक्सपोजर है, ये हमारे कंट्रीज में फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आता है, क्योंकि फैक्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ जनरेटिंग साउंड एंड ऑल। सो 1948 में फैक्ट्री एक्ट आया था, उसमें ये बोल रहे थे कि 90 डेसिबल की साउंड को 8 आवर्स के लिए, एक्चुअली 8 आवर्स फैक्ट्री टाइम होता है, तो 8 आवर्स में 90 डेसिबल तक साउंड, 8 आवर्स मैक्सिमम अपर लिमिट सेट की, कि 8 आवर्स से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस आ जाएगा। और बाद में WHO की क्राइटेरिया चेंज हुई, उन्होंने इसको 85 डेसिबल कर दिया। सो 85 डेसिबल जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने फैक्ट्री एक्ट अमेंड किया 1994 में अमेंड किया, और उसमें फिर इसको डाला कि 85 डेसिबल के साउंड को हम 8 आवर्स तक अपर लिमिट कर सकते हैं, मतलब 8 आवर्स से ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। और एक कन्वर्जन फैक्टर भी बोला कि जैसे कि 5 डेसिबल, इंडियन गवर्नमेंट 5 डेसिबल और WHO ने उसको 3 डेसिबल कर दिया, मतलब अगर 85 से हम 90 करते हैं तो टाइम को हाफ करना पड़ेगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 85 डेसिबल से मैक्सिमम एक्सपोजर 8 आवर्स का होता है, मतलब अपर लिमिट 8 आवर्स रखा है। सो जब हम 75 डेसिबल, जब हम 85 से 90 करेंगे तो वो टाइम, हम अपर लिमिट जो रखेंगे टाइम का, 4 आवर्स से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ है। दूसरी, कौन कौन से साउंड का क्या लेवल होता है। जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हम विस्पर करते हैं, धीरे बोलते हैं, वो 30 डेसिबल के आसपास होता है। हमारी जैसे मेरी जो अभी जो एम्पलीट्यूड है, जो बोलने की लाउडनेस है, वो लगभग 40 to 50 डेसिबल है। हम चिल्लाएंगे तो 60 डेसिबल के आसपास होगा। जो फैक्ट्री में नॉइज़ जनरेट होते हैं वो जनरली 80 डेसिबल के आसपास होते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, जहाँ बहुत नॉइज़ जनरेट होता है, वहाँ पे उनको एक ये करना चाहिए कि उनको रेगुलर, एक तो जो फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, इनसे रेगुलर अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। कोई कान में घंटी बजे, चक्कर आए या फिर सुनना कम हुआ हो तो आपको दिखाना है ENT स्पेशलिस्ट को। दूसरी चीज़ की जो फैक्ट्री में सेफ्टी मेडिकल ऑफिसर, ये इनको जो वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको टाइनिटिस, उनको जो साउंड मास्कर्स है, ईयर मफ है, उनके बारे में, मास्कर्स के बारे में बेसिकली बताना चाहिए। तो जो रियली एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड जनरेट हो रहा है वो डैम्पन हो जाए, उनकी जो साउंड की फ्रिक्वेंसी, साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो कम इनको परसीव हो, ये एक चीज़ है। दूसरा कि आप भी कोशिश करें लाउड साउंड में बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोजर ना हो, 8 आवर्स इज अपर लिमिट, लेकिन आप कोशिश करें जितना कम एक्सपोजर आपका हो, वो चीज़ है। नहीं तो आगे चल के होता क्या है, हाई एम्पलीट्यूड या लाउड साउंड से हमारे कान का एक्सपोजर होता है तो आउटर हेयर सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, फिर हमारा नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनना इफेक्ट हो जाता है, फिर एक बार सुनना इफेक्ट हो गया तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। अर्ली स्टेजेस में फिर भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो लेटर स्टेजेस है उसमें कटम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि रिवर्स करें, फिर हमें कुछ एड, हियरिंग एड या फिर ये सब कुछ क्या बोलते हैं, हियरिंग डिसेबिलिटी लिमिटेशन जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रेटजीज यूज़ करनी होती है। सो मुझे आशा है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको कान नाक गले की कोई भी समस्या हो, आप मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं दिल्ली में लाइव, और बाकी विद इन द जियोग्राफिकल बॉर्डर ऑफ इंडिया जो पेशेंट हैं वो हेल्थ फ्लिक्स और डॉक्टर्स ऐप के माध्यम से। धन्यवाद।